नमस्कार, मध्यान खबर को स्वागत। मु मंदाकिनी। प्रथमे देखिबा हेडलाइंस। वर्षा परे दुर्दशा रे साधारण जीवन। नयागढ़ नीलगिरी पोल उपरे 4 फुट रो पानी। छेंडीपदा पिपिली ब्रह्मगिरी रे पानी घेर रे लोके। आठगढ़ रे अनेक गां बाह्य जगत रु विच्छिन्न। चाष जमी रे लहड़ी मारुछि पानी। लगाण वर्षा परे फुलुची नदी। भद्रक आखुआपदारे विपद संकेत छुईला बैतरणी। आठगड़े कूल लंघिला कंटिया नदी। डेंजर केबुल उपरे जलका। आनंदपुर रे धोईगला ब्रिज। सतरे आसुची आउ एक लघुचाप। सबु जिलार जिलापालंकु सजाग रहिबाकु कहिले एसआरसी। जलबंदी लोकंकु स्थानांतरण पाई निर्देश। 14 जिलाकु रेड वार्निंग जारी। अपराह्न उपकूळरे बदलिब पाग। अपहरण ड्रामारु हटिला परदा। मध्यप्रदेशरु मिलिला डेलीवरी बॉयर संधान। जणे युवतीक सहित अटक। एमपी जाउछि स्वतंत्र टीम। विजिलेंसलरे भुवनेश्वर करोड़ कंटार अंगनवाड़ी दीदी। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोगे कविता माथनक घरे रेड। एककालीन 6 स्थानरे चढ़ाउ। केसुरा झारपड़ा एकाधिक बहुतल कोठा ठाब। तालचेर रोड निकटे मालवाही ट्रेन दुर्घटना। 6 बगी लाइनच्युत। दुर्घटना जो 12 ट्रेन बातिल। लोक पायलट समेत अन्य स्टाफ सुरक्षित। सुंदरगढ़वासी को विजु स्मार्ट हेल्थ कार्ड बांटिले नवीन। गरीब लोकों मिल मागणा चिकित्सा। प्राय 600 कोटी विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास कर नवीन। संपूर्ण खबर को आज उत्तर प्रदेश आलीगढ़ महाराजा महेन्द्र प्रताप यूनिवर्सिटी शिलान्यास कार्यक्रम रही। शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमंत्री सहित राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोगदेवार कार्यक्रम रही। पूर्व मुख्यमंत्री शिलान्यास तथा सभास्थल बुली समस्त व्यवस्था को जांच कर विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी तथा सांसद स्वर्गत महाराज महेन्द्र प्रताप आलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जमीदान कर बदान्यतार परिचय देथिले। और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, दो दो देसी वैक्सीन दे करके अपने देश की अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 95 लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर देश की जनमानस की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों, हम सब जानते हैं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी पर जितना बेहतर प्रबंधन भारत ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, वो दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने एक मिसाल बन गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके जीवन और जीविका को बचाने के इस अद्भुत प्रयास के लिए मैं आदरणीय प्रधान आप सब की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आगे स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से निवेश उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 1,61,00,000 नौजवानों को अपने गांव, अपने घर में, अपने
ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी तोहफा दिया था। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ नोड के कार्य के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री का स्वयं आगमन अलीगढ़ में हुआ है। भाइयों बहनों, रक्षा उत्पादन में देश के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ अलीगढ़ जैसे क्षेत्र में जो हार्डवेयर में वन डिश वन प्रोडक्ट में जिसने अपने अलग मिसाल प्रस्तुत की है, उस डिफेंस कॉरिडोर निर्माण के इस नोड के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां हो रहा है। अलीगढ़ से आप सभी नागरिकों की आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप अक्सर इस बात कहते थे कि आजादी की लड़ाई इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए लगाने वाले राजा महेंद्र को पश्चिम उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में यहां उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सबके लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। और आज का दिन राधाष्टमी का दिन इस पवित्र ब्रजभूमि की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र को उदाहरण स्वरूप डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देना यह अपने आप में राधाष्टमी के इस कार्यक्रम में सोने में सुहागा काम कर रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 8 नए विश्वविद्यालय के साथ वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। अभी आपने देखा भारतीय टीम ने, भारत के खिलाड़ियों ने जिस प्रकार के जज्बे का प्रदर्शन किया और मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अस्वाभाविक परवर्ती खबर को सक्रिय रहिछि गंभीर अवपात विलंब होइछि लघुचाप दुर्बल हेपार प्रक्रिया गत 24 घंटे 16 स्थान में 20 सेंटीमीटर अधिक वर्षा रेकर्ड तालचेरी सर्वाधिक 394 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड तेज अपराह्न पर उपकूल ओडिशा रे बदल पाग धीरे धीरे कमिबा वर्षार परिमाण वर्तमान यार स्थिति उत्तर ओडिशा छत्तीसगढ़ उत्तर भाग में रहुचि शेष 6 घंटे यह घंटा प्रति 21 किलोमीटर वेगर आगक बढ़ुची सेपटे राज्यर 14 जिलापाई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र बरगड़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ मयूरभंज भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा जाजपुर देवगड़ संबलपुर नुआपड़ा नवरंगपुर बलांगीर और केन्दुझर में प्रबल वर्षा होपे झारसुगुड़ार उत्तर पश्चिम 50 किलोमीटर दूर से रही अवपात आगक यह उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश दे यह गति कर पाणीपाग विशेषज्ञ उमाशंकर दास। जहाँ अनुमान करा जाउछि आमर आज मध्यान अपराह्न पर उपकूल में पाग परिवर्तन हो मेघा वर्षार परिमाण धीरे धीरे कमी जाउछि जोटा कि वर्तमान आम अनुमान करा जाउछि जेहेतु मौसुमी जंत जो निम्नचाप रेखा ता सामान्य तार प्रभाव रे आमर उत्तर ओडिशार उपकूलवर्ती जिले में जमीती रोज केन्द्रापड़ा
तापरे आमर भद्रक रहुची बालेश्वर जाजपुर यही सब अंचल वर्षा लग बाकी सब आभ्यंतरण ओडिशा जिला गुड़िकर वर्षार प्रभाव रहिबो। बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ मयूरभंज भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा जाजपुर देवगढ़ संबलपुर नुआपड़ा नवरंगपुर बलांगीर और केउझर यही जिला गुड़िकर प्रबल वर्षार संभावना रहुची। पुरी रे भांगिला गार्डवाल गाँ भितरे पशिला मलाकुणी नदीपाणी। खोर्धा जिला टांगी ब्लॉक लेंटू पंचायत भगवती पड़ी जामुझारी नाळठारे निर्माणाधीन गार्डवाल भांगी सृष्टि होइछि 25 फुट्र घाई। जलसंपद विभाग निम्नमानर कार्य जोगु सृष्टि होइछि समस्या, फळरे नदी पाणीरे भासुछि पुरी जिला कोणास ब्लॉक बक्कु एवं दिव्यसिंहपुर पंचायत। दिव्यसिंहपुर पंचायत हळदीपदर गाँ भितरे प्रभावित होइछि 4 फुट्र पाणी। दुई दिन हेब जलबंदी अवस्था अच्छा ग्रामवासी, सेपटे घाई हेबा फळरे पुरी निराकारपुर रास्ता उपरे चालुची 3 फुट्र पाणी। रास्तार उभय पार्श्वरे अटकिछि एकाधिक गाड़ी, अन्यपटे किंतु मलागुणी नदी बंध अनेक स्थानरे विपदपूर्ण अवस्था थिबा बेले मरामति कथा भूली जाइछि प्रशासन, फळरे स्थानीय अंचलरे देखा देइछि असंतोष। जलबंदी घेरे रे भद्रक जिला भंडारी पोखरी ब्लॉक पिरीपुर ग्रामर 20 रु ऊर्ध परिवार, अन्यपटे आखुआपदाठे बैतरणी विपद संकेत टपी थिबारु बन्या आशंका देखा देछि। लघुचाप जनित लगाण वर्षा रे बेहाल भद्रक जिला गतकाली राति ठारु अविश्रांत वर्षा जोगु जिलार विभिन्न ब्लॉक रो तळिया अंचल रे पाणी पसिछि। भद्रक सहर रो तळी एवं खालुआ अंचल रे बसवास करथुबा लोकंक घरे पाणी पसितबा जना पडिछि। एपरी कि जिल्लापालंक कार्यालय सम्मुखरे वर्षा पाणी लहड़ी भांगुछि। भंडारी पोखरी ब्लॉक सरसदा पंचायत पिरीपुर गाँवें वर्षा जल लोकंक घरे पसिथिबार लोक माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइछन्ति। आमे तो खाई पी पार नु पानी पशि जाइए सुई बसी पार न गुरु गुआले पानी पशि जाइए छेली गुआले पानी पशि जाइए सब तो पानी छिड़ा है आमे तो खाई पी पार नु घर बाहरी पार नु तो आ तो से तो चूड़ा दाली खाणी खाई रोचु आ चली माओ किमी रोसे बास तो कर पार नु चूली तो ना चूल पानी पशि जाइए आ कौन करमु भाग्य थी मन मरमु मंदिर मंजिम आ कौन करमु सकाल आखि कंदा खाऊनि ना 3-4 वर्ष हो गला ये लोक मैंने असुविधा सम्मुखीन होती पानी जीवार ड्रेन ना कि पानी निष्कासन हो पार नहीं प्रशासन को जिते जनला प्रशासन किसी बुझुनि लोक मैंने भी अवरोध करके पानी अटकई से मैंने काटापी गला भी मारि गुड़ किसी प्रशासन आप पदक रही बहुत असुविधा रही रोसे रात भी लोक मैंने करना उपास रही। लघुचाप प्रभाव में लगाण वर्षा कारण बेहाल होइछि मयूरभंज उदला सहर, विशेषकर कप्तिपदा उपखंड में नदी जलस्तर वृद्धि पाइबारु जनसाधारण अवस्था बेहाल होइछि। उदला ब्लॉक भीतताली पंचायत जालदा एवं मदनापाड़ा ग्राम से सोन नदी जलस्तर वृद्धि कारण पाखापाखि 30 घर भितर पा पशि सहित लोक मैंने जलबंदी अवस्था रही। लगाण वर्षा कारण आज भोर समय नदी जलस्तर वृद्धि पाई लोकों घर भितर पा पशि लोके निजर आसबाब पत्र धरी घर छाड़ नजर आसी। लेबर पैन केस आने जाऊ नागरापत्र गाँ पंचायत है पदम पोखरी थाना है सरत ब्लक है कप्तिपद तो पुल चलतेस एपटे तो जाइबनी जहाँ भी आमको बुलिकी जावाई पड़ो ऑफिस को जनइबु ऑफिस को जनला कौन कहते ना सरद देखिए जीव से पेसेंट कौन ठीक थी आप पहुँचवा क्या सरद बहुत दूर हो आम तो से कथा कही पार ना। अनुगुल रे वर्षा विभीषिका बढ़ी पानी रे फसिले लोक माने, अन्य को उद्धार करने को जाई बढ़ी पानी रा प्रबल स्रोत जो फसिले लोके ए दृश्य अनुगुल सहर निकट लिंगिरा नाळर पानी रा स्रोत एते क्षिप्र थिला जे लोक माने आउ कूल को फेरी पारि नथिले। केतेक नाळ मझिरे थिबा एक पत्थर को आश्रय करी दीर्घ समय धरी सेठारे फसी रहिछंती। अग्निशम बाहिनी पक्षरु उद्धार प्रक्रिया आरंभ होइतिबा जणा पडिछि। लघुचाप जनित वर्षा कारण राज्य में जनजीवन एक प्रकार अस्तव्यस्त हो पड़े। सबुठी गोटे समस्या जल निष्कासन ड्रेनेजर व्यवस्था ना। ठीक से हीपरि बालेश्वर जिला सहर ब्लॉक कप्तिपदार लोकों घरे वर्षा पा पशु लोके असुविधार सम्मुखीन होती लोकों घरे पा पशिजव रोसेवास आरंभ कर राति अनिद्रा होगा पड़ी कहीं कहीं घर छाड़ अन्य घरे आश्रय नहीं। राजधानी
କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ। ଏକ କେଜି 25 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ରସୁଲଗଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରକିବୁଲ ଲସ୍କର ଏବଂ ସୁଧନ୍ୟା ଗୟାନ, ଉଭୟଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଜିଏଚ୍ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 600 କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ରୋଡ୍ ପାଖରେ ଓଲଟିଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ଗହମ ବୋଝେଇ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର 6ଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଭୋଗବେରଣୀ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲ ଧସିଯିବାରୁ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ଯୋଗୁଁ 12ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋରଡ଼କଣ୍ଟାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କବିତା ମାଥନ୍ଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେଶୁରା ଏବଂ ଝାରପଡ଼ାରେ ଏକାଧିକ ବହୁତଳ କୋଠା ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। କୋଟିପତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସ୍ଥିତ ବାପଘରେ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ଥିତ ବାଲିକୁଦା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏହାପରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇ କବିତା ମାଥନ୍ଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲି NH-16ରୁ 2 ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା। ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣ କିନ୍ନର ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସଂଘବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ସୋତି ଗାଁ ନିକଟରେ 2 ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଧରି ମାରାଥନ୍ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। 2 ଜଣ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନେଇ ପ୍ରଥମେ 2 ଯୁବକଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଥମେ ବଚସା ଏବଂ ପରେ ମାରପିଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ କିନ୍ନରମାନେ ଫୋନ୍ କରି ଭଦ୍ରକରୁ ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏସବୁ ରାଜନୀତି ଦଳମାନଙ୍କରେ ଉଷ୍ମତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ କିପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ରେଡ୍ କଲା ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା। ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 1 କେଜି 25 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ମିଳିଲା। ସେସବୁ ସିଜ୍ କରାଗଲା। ଏଇ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଆମର STF PS କେସ୍ ନମ୍ବର 32 ଡେଟେଡ୍ 13/9/2021 Under Section 21(c)(29) ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାହୋଇଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ। ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ନେଉଥିଲେ କିଛି ଖବର ଅଛି? ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କହିକିରି ଆପାତତଃ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।
ଆଉ ବାକି ଏମାନେ ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ସବୁ ନୋଟେଡ଼୍ ଡ୍ରଗ୍ ପେଡ଼ଲର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାକୁ ନେପ୍ କରିବୁ। ସେମାନେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଡ୍ରଗ୍ ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମେ ଆମର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ହଁ, ସେଇ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଲାଲଗୁଲାର ଲିଙ୍କ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପାତତଃ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହଁ ହେଇଥାଇପାରୁଛି। ନାଇଁ, ଏମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ତାକୁ ନେପ୍ କରିଛୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେଟା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଠାବ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଟିମ୍ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ଆଉ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର। ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମାନେ ହିଁ ଆଣିଥିଲେ ସେଠୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ କି ଯେଉଁମାନେ ହୋଲସେଲର ସେ ସବୁ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଗୁଡ଼ା ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ଠିଆ କରିବୁ, ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ମାନେ ଠାପ୍ କରିବୁ। ନାଇଁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି। ନାଇଁ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଡ଼ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କନ୍ସିୟସ୍ ପୋଜିସନ୍। ହଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ବି ଜବ୍ଦ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଲିଗଡ଼ଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में रही अलीगढ़ की पहचान को देख खुश हुए होते और उनका जहां भी होगी मैं आशीर्वाद देती होगी। साथियों, भारत का हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे राष्ट्रभक्तों से भरा है जिन्होंने समय पर अपने तप और त्याग से दिशा दी है। हमारी आजादी आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की को परिचित ही नहीं कराया गया, उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीनबंधु चौधरी राम जी हो, फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से परिचित कराने का आज जब देश अपनी आजादी के
75 वर्ष का पर्व मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। साथियों, आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे।